हरे कृष्ण पाप नाशिनी पुण्य प्रदायिनी एकादशी तिथि सौभाग्यदायिनी मनुष्य के सभी पूर्व पाप कर्मों को भस्म कर देने वाली कोई एक अग्नि है तो वो है भगवान श्री हरि की प्रिय एकादशी तिथि। ये तिथि भगवान को इतनी प्रिय है कि भगवान स्वयं ये वचन देते हुए कहते हैं कि जो भी व्यक्ति मुझे प्रिय इस एकादशी तिथि का श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन करेगा उसे मैं परम उच्च आध्यात्मिक गति प्रदान करूँगा। इस व्रत का पालन करने वाला मनुष्य अपने सभी पूर्व पाप कर्मों से तो मुक्त हो ही जाता है अपितु इस एकादशी तिथि में मनुष्य को जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्रदान करने की भी क्षमता है। ऐसी पवित्र एकादशी तिथि अगर चातुर्मास जैसे मंगलमय समय में आए तो उसका महत्व और भी बढ़ जाता है। और ऐसी सबसे महत्वपूर्ण एकादशी जो कि बस कुछ ही दिनों में आने वाली है वो है चातुर्मास के भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली पार्श्व एकादशी। इस एकादशी को वामन एकादशी और जयंती एकादशी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसके अगले दिन भगवान वामन देव का आविर्भाव हुआ था। इस एकादशी का एक और नाम है परिवर्तिनी एकादशी क्योंकि चातुर्मास के चार मास के दौरान यही वो समय है जब योग निद्रा में शयन कर रहे भगवान विष्णु अपनी करवट बदलते हैं और इसलिए इस एकादशी को परिवर्तिनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस बार भी आने वाली पार्श्व या परिवर्तिनी एकादशी की निश्चित तिथि और तारीख को लेकर कुछ भ्रम फैले हुए हैं तो हम आपके इन सभी संशयों का स्पष्टीकरण करेंगे और आखिर कौन से दिन इस एकादशी का पालन करना चाहिए ये भी बताएंगे। तो भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली पार्श्व एकादशी का पालन हम करेंगे 26 सितंबर 2023 मंगलवार के दिन। वास्तव में कई जगह पर 25 तारीख को एकादशी का पालन करने के लिए कहा जा रहा है क्योंकि एकादशी तिथि का प्रारंभ 25 तारीख को प्रातः 7:55 से हो रहा है लेकिन ये दिन एकादशी का पालन करने के लिए उचित नहीं है और इसका कारण ये है कि एकादशी तिथि का प्रारंभ इस दिन सूर्योदय के बाद हो रहा है और सूर्योदय के बाद शुरू होने वाली एकादशी का पालन हम अगले दिन ही करते हैं। इसलिए भले ही एकादशी का प्रारंभ 25 को हो रहा हो लेकिन हम उसका पालन 26 सितंबर मंगलवार को ही करेंगे। इसके उपरांत विष्णु धर्मोत्तर पुराण में वर्णन आता है कि जब श्रवण नक्षत्र बढ़ते हुए चंद्र यानी पूर्णिमा से पहले आने वाली द्वादशी के साथ संयुक्त हो जाता है तो इसे विजय महाद्वादशी के नाम से जाना जाता है और जैसा कि हमने पहले ही आपको बताया था पार्श्व एकादशी के अगले दिन वामन द्वादशी आती है क्योंकि भगवान वामन देव श्रवण नक्षत्र में ही प्रकट हुए थे इसलिए भी इस एकादशी को महाद्वादशी के नाम से जानते हैं। तो इस बार परिवर्तिनी एकादशी तिथि का प्रारंभ 25 को हो रहा है प्रातः 7:55 से और वो समाप्त होगी 26 सितंबर को प्रातः 5:00 और क्योंकि ये महाद्वादशी है इसलिए इस एकादशी व्रत का पालन हम करेंगे 26 सितंबर मंगलवार के दिन। इस दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त का समय है 4:41 और सूर्योदय होगा 6:17 पर। अगले दिन इस व्रत का पारण हम करेंगे प्रातः 6:17 से लेकर 10:17 के बीच में। इस बार एकादशी और द्वादशी का एक साथ संयोग हो रहा है इसलिए भी हम इस बार एकादशी का पालन 26 सितंबर को कर रहे हैं क्योंकि जब एकादशी दशमी या द्वादशी से मिश्रित हो तो उसका पालन हम एक दिन बाद द्वादशी के दिन ही करते हैं। तो आशा है कि अब एकादशी को लेकर आपके संशय समाप्त हो गए होंगे और अब आप समझ ही गए होंगे कि इस बार आने वाली एकादशी का पालन हम करेंगे 26 सितंबर मंगलवार के दिन। ये एकादशी अत्यंत विशेष है और इसके मुख्य तीन कारण हैं। पहला तो ये कि ये एकादशी चातुर्मास के पवित्र समय में आ रही है। दूसरा ये कि इसी एकादशी के दिन भगवान विष्णु अपनी करवट बदलते हैं इसलिए भी ये दिन महत्वपूर्ण है। और तीसरा कारण ये कि इसी दिन भगवान वामन देव का आविर्भाव दिवस भी है। इतना ही नहीं इसी पवित्र दिवस पर हमारे महान आचार्य श्री लजीव गोस्वामी का आविर्भाव दिवस भी आ रहा है तो प्रयास करें कि इस एकादशी का संपूर्ण श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन करें। इस दिन अधिक से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे इस महामंत्र की कम से कम 16, 25 या 32 माला का जप करें। इस दिन भगवान वामन देव के जीवन चरित्र को पढ़ें या फिर सुने। हर प्रकार के अन्न को त्याग करें। यदि आवश्यकता पड़े तो एकादशी के इस उपवास में आप दूध फल जल या
एकादशी प्रसाद ले सकते हैं, लेकिन प्रयास करें कि सुबह 12 बजे तक निर्जल उपवास करें। इससे वामन द्वादशी का उपवास भी इसी में समाहित हो जाएगा। 12 बजे के बाद आप अपनी आवश्यकता अनुसार दूध, फल, एकादशी प्रसाद इत्यादि ले सकते हैं। संपूर्ण दिन अपने मन और चेतना को अधिक से अधिक परम भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों पर केंद्रित रखने का प्रयास करें। अगर आप आने वाले इस पार्श्व या परिवर्तनी एकादशी की कथा सुनना चाहते हैं, तो आपके अपने इस चैनल उपदेश अष्टकम को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें। और अगर इस एकादशी से जुड़े आपके कोई प्रश्न है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। तो चलिए तैयार हो जाइए आने वाली पार्श्व एकादशी का श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन करने के लिए। हरे कृष्णा।